सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर पब्लिक स्कूल क्लास 8 जीके कर रहे थे। जीके की बुक का नेम क्या था आपका? जीके प्लेनेट। और इसका 32 चैप्टर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 33। ओके, चैप्टर नंबर 33 हमारा पेज नंबर 45 पर। देखिए चैप्टर नंबर 33 का नेम क्या है? डेजर्ट एनिमल्स। क्या नेम है? डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट हम सभी जानते हैं क्या होता है, जहां पर पानी बिल्कुल ही नहीं रहता है ना, वाटर बहुत ही कम गिरता है या फिर रेनफॉल बहुत होती ही नहीं है, तो वो होता है डेजर्ट। अब डेजर्ट में एक बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, क्योंकि अगर हमें सर्वाइव करना है, हमें जिंदा रहना है, तो हमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वाटर इज द एसेंशियल नीड फॉर आवर लिविंग, क्लियर। और डेजर्ट में पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्लियर। तो वहां पे ऑब्वियसली कोई जिंदा रह नहीं सकता है, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ एक एनिमल्स रहते हैं जो कि वहां पर भी क्या कर पाते हैं? सर्वाइव कर पाते हैं। तो ऐसे एनिमल जो डेजर्ट में हमें देखने को मिले वो डेजर्ट एनिमल्स कहलाते हैं। डेजर्ट हैव एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन विद स्कैरी रेन, स्कैंटी रेनफॉल, है ना, बहुत ही कम रेनफॉल हमें देखने को मिलती है डेजर्ट में। दिस इज द रीजन दैट अ डेजर्ट हैज ओनली फ्यू प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। इस वजह से डेजर्ट में बहुत ही कम प्लांट और एनिमल देखने को मिलते हैं। कुछ एनिमल्स के बारे में हम जानते हैं जो कि इसमें हमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको हमें बताना है कि कौन सा ये एनिमल है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है। डिस्क्रिप्शन रीड करते हुए, सबसे फर्स्ट, इट इज एन एंटीलोप नेटिव टू द सारा डेजर्ट। सारा डेजर्ट में देखने को मिलता है। इट इज अबाउट 5.5 feet लॉन्ग एंड होप्स एंड वाइडली स्प्रेड एज एन एडॉप्शन ऑफ ट्रेवलिंग ओवर द डेजर्ट। इट फीड्स ऑन ऑल काइंड ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द डेजर्ट। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें इसका बताना है। ये जिसका डायग्राम बना हुआ है, क्लियर, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा ना एडेक्स, AXX, इस एनिमल का नेम है AXX, क्लियर। सेकंड पे आ जाओ, ऑल्सो नोन एज कॉमरेड, कॉमरेड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नॉट अ नॉर्थ अमेरिकन रोडेंट स्पेसी, इट हैज अ फ्लेक्सिबल रिब केज दैट अलाउ द स्क्वीज इनटू द नैरो कैविक्स क्रेविक्स। इट फाउंड ऑन द रॉकी स्प्रेशी वेजिटेटेड डेजर्ट, यहाँ पे ये पाया जाता है। तो इसका जो नेम हो जाएगा सेकंड वाले का वो हो जाएगा गुंडी, GUNDI, क्लियर। तो हम लिख देते हैं GUNDI। थर्ड पे आ जाते हैं, फाउंड इन अफ्रीका मिडिल ईस्ट में ये पाया जाता है, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में, है ना। इट इज फ्रॉम द फैमिली ऑफ कैट्स, कैट्स की फैमिली से बिलोंग करता है। हैविंग स्लीक स्ट्रीमलाइन बॉडी, शॉर्ट रेडिश गोल्ड कोट मिलते हैं इसमें देखने को, डिस्टिंक्टिव मार्किंग ऑन द फेस। ओके, देखो अलग तरीके की मार्किंग है ना इसके फेस पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द डेजर्ट लाइनिक्स, डेजर्ट लाइनिक्स से के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा कैरेकल हो जाएगा इसका नाम, क्या हो जाएगा? CARACAL। तो हेल्प बॉक्स से देख के आप लिख सकते हो जो डी वाले पार्ट में लिखा हुआ है, CARACAL, ये लिख दिया हमने इसका क्या आंसर, क्लियर। अब हम आ जाते हैं बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में देखो ये रेड टाइप का दिख रहा है मुझे, तो एक नॉक्टर्नल कार्निवोर मार्सुपियल दैट एंडेमिक इनटू द ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बात तो ये नॉक्टर्नल एनिमल है, नॉक्टर्नल एनिमल मतलब जो एनिमल रात के टाइम पे एक्टिव रहते हैं, दिन के टाइम पे सोते हैं। कार्निवोर मतलब ये क्या खाता है, जानवर को खाते हैं जो एनिमल्स, वो कार्निवोर कहलाते हैं, ठीक है। और ये कार्निवोर है, ठीक है, और एंडेमिक टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है ये वाला जो रेट है या फिर जो भी एनिमल है। इट्स टेल इज यूजुअली एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी, इतनी लंबी इसकी बॉडी उतनी लंबी इसकी टेल रहती है। बिग ब्लैक आईज होती हैं, बड़ी बड़ी आईज काली कलर की। लॉन्ग विस्की लार्ज ईयर्स, बड़े बड़े क्या होते हैं इसके ईयर्स होते हैं, और शार्प टीथ होते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा वो हो जाएगा डुनार्ट, DUNNART, ये जो एनिमल का नाम है, DUNNART, क्लियर। तो ये हो गया फोर्थ का आंसर। फिफ्थ पे आ जाते हैं, ऑल्सो नोन एज स्पाइनी एंथेटर। ओके, स्मॉल एग लेइंग मैमल है ये, लाइक प्लेटिपस, क्लियर। इट इज फाउंड थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तस्मानिया में पाया जाता है, न्यू गुआना में पाया जाता है। फ्रॉम द हाइलाइटेड टू द डेजर्ट एंड टू द फॉरेस्ट, क्लियर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फिफ्थ वाले का बच्चों वो हो जाएगा हमारा एक, देखो ये वाला जो है ना एचिडना, एचिडना। ओके,
E-C-H-I-D-N-A, क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। सिक्स्थ पे आ जाओ, सिमिलर टू द ड्रैगन लिजर्ड, ड्रैगन लिजर्ड जैसे ही दिखता है ना, इट इज अ लार्ज बल्की लिजर्ड, और बहुत ही बड़ा मतलब लार्ज बल्की भारी लिजर्ड है जो कि ग्रोइंग नियरली 16 इंचेस इन लेंथ, और काफी लंबा होता है। इट हैज फ्लड फोल्ड्स ऑफ लूज स्किन एंड साइड्स टू इट्स बॉडी। इट इज फाउंड ऑन रॉकी हिल साइड ऑफ द ग्रीन बेसिन, मोजाबे एंड सोनोरस डेजर्ट, यहाँ यहाँ ये पाया जाता है। तो इसका जो हमारा जो लास्ट बचा है बी वाला पार्ट यही हो जाएगा, सी एच यू सी के, चकवाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इसका आंसर सिक्स्थ का। तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 33 भी कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया 33 में से बेसिकली ये कंप्लीट हो गया चैप्टर। इसके बाद देखेंगे हम चैप्टर नंबर 34 नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को कुछ भी हेल्पफुल लगाओ। इसके अलावा मैथ साइंस एसएसटी ना हिंदी इंग्लिश सारी वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं, सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, और साथ ही आप चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।